नहीं चलाने वाली है स्कूटी। हमारे साथ घर पे जाना था, योगी जी आ गए, हमारे घर का रास्ता बंद कर दिया, हमें घूम के जाना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे, थोड़ा सा घूम के चलेंगे, हमारे साथ होगी ट्रेस भी, अब हम नहीं जा पाएंगे। तो हम आए शाम को वापस सरदार जी की दुकान में ड्रेस चेंज करवाने के लिए, तो यहाँ पर आए रुद्र की नानी। भूल गए। हाय रुद्र। हेलो। तो सुबह सुबह यहाँ हो रही है खाने की तैयारी। नई साड़ी देख के समझ ही गए हो कि आज मैं जा रही हूँ बाहर, और कहाँ जा रही हूँ आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो बुआ तैयार कर रहे हैं बाबू को, मतलब रुद्र को, और रुद्र आज जाने वाला है कहाँ पे, नानी के घर। तो मैं भी जाती हूँ रेडी, और उधर रानू रेडी कर रहे हैं रुद्र को, तो थोड़ा सा काम में वो कर लेते हैं और हम लोग जल्दी निकलते हैं। ये देख लो, इसको रोना आ रहा है जो। रुद्र, ए रुद्र, रुद्र तैयार हो रहे का? फेस क्रीम लगा रहा है रुद्र। ओ बॉय, तो हम लोग निकल चुके हैं। अब ये दूरी तैयार हुई है, यार भागते दौड़ते। हाँ हाय रुद्र। हेलो। हाय, कैसे हो? इतना गुस्सा क्यों करते हो? बात ठीक है, नहीं करना। ओके, आज इसका मूड ऑफ है भाई। नींद आ रही थी, इसको सोने नहीं दिया ना, तो ये अब गुस्सा कर रहा है। यार मेरी हालत है, एक हाथ में कंबल, एक हाथ में ये ब्लैंकेट। अरे रे रे, चालू वही बात। हाँ वाह, ये रुद्र है, बाहर पेड़ है, और वो चाची है, और हम तीनों कहाँ जा रहे हैं? नाना के जा रहे हैं चित्तौड़। आगे कौन है? दादी है, भैया है, और पापा है ना बेटा? आगे आ रहा तो ये तो बैठा बैठा देख खुश हो जाए। पहले हम लोग आए हैं बिरला में, रुद्र को और रिंकू को, दोनों को दिखाने। इन दोनों की हो रही तबीयत खराब, तो हम अभी आए हैं हॉस्पिटल। तो रिंकू चाची गई है स्लिप कटवाने उन दोनों की, हम दोनों यहाँ हैं। अच्छा नहीं करते, डिंग 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 डिंग। देखो वो चाची उधर क्या कर रहे हैं, चाची अपने लिए स्लिप कटवा रहे हैं, उनके लिए स्लिप कटवा रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी आप दोनों ठीक हो जाओ। नानू आ गए रुद्र के, वो देखो नाना। पापा बाहर आ जाओ, बाहर। अरे नानू आ गई, रुद्र नानू के पास जाएगा। जाओ 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 जाओ, अले 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 अले। तो हम आ गए हैं फाइनली नाना के घर, और वो रहा रुद्र जो जाती नाना के पास, ऐसा रोया है ना मोती जैसे आंसू टपका है इसने। इसलिए चलो मोनू, मामी छा तो दौड़ा दौड़ाएगा, मामी छा, मामी छा
सो इन मैडम ने तो कर लिए कपड़े चेंज और मुझे जाना पड़ेगा साड़ी में क्योंकि मैं लाई नहीं कपड़े, तो इन्होंने देखो क्या पहना है, ये जींस टॉप ये। अरे गाड़ी चलानी पड़ेगी, साड़ी हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड। तो ना हम लोग निकल रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमारे घर में भी शादी वादी है तो इसलिए, और थोड़ा बहुत रुद्र के लिए भी सामान चाहिए, डायपर्स वगैरह सब छोटे छोटे से तो थोड़े से होते जो ख़त्म हो जाते हैं इसलिए। बोरे ऊपर वाले दीदी उधर से हाय, मैं आई हूँ आज, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो रुद्र पहचान भी नहीं रहा है किसी को। मैं और रिंकू जाके आ जाते हैं, साड़ी में ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है तो फटाफट से पहनी है अभी ये जीन्स टॉप, और भरत जी और मम्मी जी आएंगे उससे पहले पहले हम लोगों को वापस से आना है यहाँ पे। चलाने वाली है स्कूटी जी, जो आप चित्तौड़ में पब्लिक देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, है भारी ज्यादा ही भीड़ है। ये आ रहे योगी जी, ओहो ये देखे योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं चित्तौड़ में, सेठ की जय। तो देख सकते हैं आप हम लोगों को, हम भी ऐसी भीड़ में निकले शॉपिंग करने के लिए और शायद मार्केट में ब्लाउज लेने के लिए, तो यहाँ से लेंगे ब्लाउज। चप्पल ही नहीं मिलती नहीं नहीं हमारे सब मिल जाती दीदी, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में रख फोन लो जो भाई। तो स्लीपर खरीदने के बाद हम आए शॉप में कानों के लिए कपड़े लेने के लिए। तो ये ड्रेसेस हमने कानों के लिए देखे हैं शादी के हिसाब से, आप देख सकते हैं। आप भी ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लग रही, तक तो और देखनी बाकी है। ये फोर निकली है, अलग सा पैटर्न है थोड़ा सा, देखिए ये अच्छी लग रही है ना। बाकी ये देख सकते हैं आप और भी ऑप्शन हैं, और निकल रही अभी तक तो बहुत सारी, ये देखिए। तो अब हम देख रहे हैं रुद्र के लिए ड्रेसेस, और रुद्र के लिए भी आप देख सकते हैं उस टाइप में ड्रेसेस निकाली हैं। सो ड्रेस हमने पसंद कर ली है और अब बिल पे कर रहे हैं। तो कानू के लिए सिर्फ एक ड्रेस और कुर्ता पसंद किया है, रुद्र के लिए अभी तक हमें पसंद आया नहीं है तो हम शायद दूसरे शॉप से लेंगे। ये देखिए उनको देखिए, और था हमने मार्केट में देखी, और इधर ही स्कूटी बंद हो रही है, इतनी पब्लिक माँ, ओ भाई क्या हो रहा है आसुच। हम इनमें कलर देखना बाकी है। तो यहाँ पे कोमल भाभी के चल रहा है रुद्र के लिए ड्रेसेस, जो हम घर से स्लिप बना के लाए थे, सारे स्लिप में सारे सामान हमने ले लिए, आधे लेना बाकी हैं और चल रहा है ऑनलाइन का प्रोसेस। ये है ना, ये है।
तो रुद्र के लिए अब हम लोग निकाल रहे हैं शायद, लेकिन भाभी का पसंद नहीं आ रहा है। सब विंटर के हिसाब से ड्रेसेस निकाली उसके लिए। तो अब भाभियाँ आए शूज लेने के लिए, और ये तो मतलब कि लड़कियों के शूज़ हैं, पर भाभी को चाहिए रुद्र के लिए लड़कों के शूज़, तो ये ले रहे ब्लू कलर के। कानू के लिए नहीं मिलेंगे ना, 6 साल के बच्चों के लिए नहीं मिलेंगे ना भैया? ठीक है। तो हम दोनों ना बच्चों बच्चों के कपड़ों में बर्बाद हो चुके हैं। 4,000 साढ़े 4,000 साढ़े 4,000 तो एक जगह से शॉपिंग करी, 2100 की एक जगह से करी, 6,100 टोटल हमने खर्चा किया है अभी तक शायद। और वो हॉस्पिटल का हुआ था लगभग 1,500 का, 8,000 का खर्चा हो चुका है हमें दिए अभी तक 3,000 रुपये। और हमारा खर्चा मतलब हम तिगुना खर्चा करते हैं, बाकी है लगभग अभी तो बाकी है। हाँ, विशाल मेगा मार्ट चल रहा है, बच्चों के बनियान लेने हैं, जिसमें से हम दोनों ने हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। स्लीपर ली मैंने मेरे लिए, हाँ वो तो कुछ नहीं है ना, 300 रुपये की होगा, 300 रुपये की होगा। जा रहे हैं अब दूसरी जगह शॉपिंग करने, विशाल मेगा मार्ट में। आई होप आपको हमारी आवाज़ कम्फर्टली आ रही हो, और आप रील्स बनाने का सोच रहे हैं तो सही, आगे जाके सोचेंगे रील्स बनाने का। हम आए हैं अब दूसरी जगह, शायद यहाँ पर भी बर्बाद होकर ही रहेंगे हम लोग। ओ माय गॉड, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। वाह, काश भाभी की एक लड़की होती है शायद मेरे होती। कितनी बड़ी इनकम बची है ये देखिए, तो मेरे हुकुम का टोटल पैसा सिर्फ 5 रुपए बचे। अब विशाल मेगा मार्ट जाना बाकी अभी तक हम लोगों के, और वहाँ से सामान एडजस्ट करना बाकी है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा ये विशाल मेगा मार्ट, अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग एक बार। तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, थोड़ी सी बहुत और शॉपिंग करनी है अभी तक, तो फिर करते हैं। इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली हम लोगों ने कि मतलब पूरी ये ट्रॉली, तो ये डस्टबिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन इसकी सुंदरता देखते हम इसमें शायद कचरा नहीं डाल पाएंगे। ये देखो क्या अच्छी चीज़ है, वैसे किचन के लिए बेस्ट है। तो अब आ रहे हैं भरत जी, गाड़ी वाड़ी लेके आएंगे, तो उसमें सामान रखा भी ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि सामान ज़्यादा ले लिया, स्कूटी पे बैठेंगे कैसे। ये डस्टबिन लेके किचन के लिए कौन सा, ये बड़ा वाला छोटा वाला बाल्टी रखते, इससे अच्छा तो ये डाले तो ठीक है ना यार। ये हाँ, ये छोटा उस बाल्टी में डालते हैं तो इसमें डालो कलर ही गंदा नहीं होता, नहीं तो सुखिया लगता है। हाँ डाल के फेंक दो। हाँ इसके अंदर कचरा फेंक देंगे अपन इतनी सुंदर बाल्टी में, अच्छा हो जाएगी। ओहो हो तो ये डस्टबिन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। हाँ हाँ ले लो ले लो, चले काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं यार। ओ मेरा गानू क्या हुआ सच में, दादी वो बेटी है बाहर, वो दिख वहाँ पर, तू यहाँ पर। हाँ ऐसे ले लो, कोई बात नहीं ले ही लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा डस्टबिन, पर ज़्यादा छोटा है ये, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अच्छा लगेगा। ये हमारा पूरा इससे बड़ा सामान का थैला। हाँ ये वाइपर ये बाथरूम के लिए चाहिए, स्टैंड के लिए, किचन किचन की पट्टी साफ करनी है हमारे तो। वहाँ तो रख दे वापिस, रख देते हैं तो ये रख देना, दूसरा छोटा वाइपर ले जा।
क्या ऑफर हमारे को क्या वो मिला है क्या डिस्काउंट? नहीं तो अब तो हमने कर ली शॉपिंग और वो भरत जी गए सारे सामान लेके। अब मैं और रिंकू जा रहे हैं, थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह ले लेंगे घर पे। और मैं तो नहीं खाऊंगी पर ठीक है, खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सब, देखते हैं। हमने एक बार पैक कर लिया पिज़्ज़ा विज़्ज़ा और अब हम एट लास्ट जाएंगे घर पे। फाइनली सो हम आ गए हैं घर पे और भैया खा रहे खाना। हम जो फास्ट फूड लेके आए थे आधा बार दे दिया। भाभी साड़ी पहन रहे हैं वापस से क्योंकि ससुराल भी जाना है हम लोगों को, तो सो ही चल रहा है। बाय मोनू, बाय बाय मोनू। नाना जी को भी बाय कर दे, डुगू बाय कर दे। अब चले खाना घर पे, चले जय श्री कृष्णा। बाय बाय रुद्र, बाय। ओके हाँ हाँ, हम चेंज करवाएंगे, तब तक आ ही जाओगे तुम। फोन कर, हाँ जाओ जाओ जाओ। ओके सो हम आए शाम को वापस सरदार जी की दुकान में ड्रेस चेंज करवाने के लिए, तो यहाँ पर आए हैं रुद्र की नानी उनसे मिलने के लिए। सो आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करके हम लोग घर पर पहुंचे हैं। अफसोस की बात है मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि गाड़ी में मतलब कि हिलने की भी जगह नहीं थी। वीडियो तो बहुत दूर की बात है और ऐसा बच्चों ने परेशान किया था। दो मिनट बेटा चुप है। और ऐसा बच्चों ने परेशान किया था। भाभी की हालत आप देख सकते हैं, मेरी हालत बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ मैं, ऐसी हालत हो गई। और अभी तक केक कट करना बाकी है। सो अभी के लिए इतनी ही वीडियो, बहुत ज़्यादा रियली मैं बहुत ज़्यादा थक गई। रुद्र ने इतना परेशान किया ना, रुद्र तो फिर भी ठीक है बच्चा है, लेकिन कानू 4 साल का है लेकिन माँ उससे भी बच्चा वो है, मतलब इतना इरिटेट करना पूछो मत, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार। और सच में रियली में बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। हिलना मतलब हिले भी नहीं, मैं तो गाड़ी में थोड़ी सी जगह लेके बैठती जिसमें इतनी सी जगह में बैठी होंगी, एक पहले देख लोगी क्या बताऊँ, कानू बैठते जितनी जगह में इतनी मुश्किल से होके बैठी थी मैं। और ऐसे निकल गया रुद्र, जहाँ तू जाएगा वहाँ चाची का और चाची का लड़का नहीं आएगा, जहाँ चाची और चाची का लड़का जाएगा वह तो नहीं आएगा, क्योंकि तुम दोनों ने सर पे नचा दिया हम लोगों का आज, है ना बेटा, है ना। कोई एक्सप्रेशंस थी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे डियर रुद्र, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये ओ या कानू ने खाए सबसे पहले केक। हाँ ये लो इधर देखो, मैं मुझे फोटो खींच लो, फ्रेश रहते ना फोटो खींचा जाते बढ़िया। ओ बेटी ओ कानू छोड़ो, कानू छोड़ो ओ बेटा, दूध दूध बनाओ इसके एक बार तो।